बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से आप सब खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। वेलकम टू माय चैनल मरियम नाज व्लॉग। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। टाइम है जी सुबह के 6 बजे का, और मैं हूँ किचन में, बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ रोटी, मतलब के पराठा। साथ में नूर के लिए चाय है और हान अहमद के लिए अंडा है। महनूर को जो है ना सालन ही लगा के दूंगी रोटी में। बच्चे जो चीज़ पसंद करते हैं ना, हमें वही उनको खिलानी चाहिए, और जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं मैं उनको वही खिलाती हूँ। वो कुछ भी ना ख़ास इतना नखरों वाला पसंद नहीं करता रूहान अहमद, उसको सादा सा वो बंदा है, उसको अंडा और पराठा ही चाहिए होता है। खैर, ये मैंने इनको नाश्ता दे दिया था, ये बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और मेरी जो आजकल रूटीन है वो ये है कि ये अंदर बैठ के आराम से नाश्ता करते हैं, और तब तक मैं बाहर की सफ़ाई कर लेती हूँ। और साफ़ सफ़ाई सारी करने के बाद तकरीबन 7 बज जाते हैं, और फिर महनूर को मैं चाय पिलाती हूँ, और क्योंकि ये नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद चाय मैं इसको पिलाती हूँ, तब तक ये ठंडी भी हो जाती है। तो इसके हाथ चिपचिप कर रहे थे, कह रही थी मम्मा मेरे हाथ चिपचिप कर रहे हैं। खैर, ये नाश्ता इन्होंने कर लिया था, और इसके बाद इनको फुल रेडी करके मैं जो हूँ ना इंतज़ार कर रही होती हूँ कि कब बच्चे जो है नीचे उतरें और टाइम से स्कूल जाएं। लेकिन ना इनके बाबा को टेंशन होती है ना बच्चों को होती है। मुझे ये होता है तकरीबन बच्चे 5 से 7-8 मिनट पहले ही स्कूल जाएं अपने, लेकिन मुझे इनको जल्दी तैयार करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इनके बाबा ये ज़रूर लेट करते हैं, मतलब कि 3 से 4 मिनट पहले ही छोड़ के आते हैं। बेटा ध्यान से पहले बैग तो पहन लो ना। चलो चलो जाओ जल्दी से। अरे आज तो हल्की हल्की बारिश में स्कूल जाओगे। नाश्ता करने के बाद मैंने ना जल्दी से कर लिया सफाई, और अम्मी मुझे कह रही थी कि बादल तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा अम्मी चले कुछ नहीं होता, अब देख लेते हैं क्या बनती है। खैर, बारिश दोबारा से नहीं हुई थी, बादल तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन बारिश नहीं हुई थी। बारिश जो थी वो सिर्फ सुबह सुबह ही हुई थी, और अभी भी ये देखें छत वगैरह लोगों की दीवारें अभी भी गीली, हमारी भी गीली थी। फिर जी ये मैंने लहसुन को छीला, और ये भी बड़ा ज़रूरी काम होता है हंडिया बनाने के लिए। फिर जल्दी जल्दी से हम मेकिंग की तैयारी कर लेते हैं। बना रही थी मैं माश की दाल, और सालन बड़ा हुआ था चिकन के मसाले वाला, वो भी बीच में हमने ऐड कर दिया। नन्ना क्या, चलो आओ ऊपर आओ, आ जाओ आ जाओ। क्या लिया था 10 रुपए का? हाँ ना, आपकी फिश बड़ी हो रही है। इसको आटा डाला है, वो नीचे को है, अब आटा आटा है। किचन का काम ख़त्म किया है, तो इतनी देर में जी हमारी आ गई है बेटी, और ये जो मेरा बच्चा ना आते बखेड़ा डाल के बैठ जाता, मम्मा ये आज मिला और ये इस तरह से मिला। और मैं इनको खाना दिला के बिठा देती हूँ, फिर मुझे नमाज़ पढ़नी होती है, मैं स्कूल से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ये आराम से खाना खा लेते हैं, साथ में कार्टून वॉच कर लेते हैं। फिर ये जी हो जाता है जी ट्यूशन का टाइम, और रूहान अहमद को मैंने कहा था आप चले जाओ पहले, कहता नहीं मैं बहनों के साथ ही जाऊँगा। मैंने कहा फिर आप बेटा बैग नहीं पहनो, कहता मम्मा कुछ नहीं होता, ये देखे बैठ गया। फिर थक के फिर माँ नूर नीचे आई है, और मैंने उसको भी बैग पहनाया। मैंने कहा चले बेटी के बाप भी जाएं, और ये हमने नया काम पकड़ा हुआ है छलांग लगाने का। अच्छा, इसके साथ भी रूहान भी शुरू हो जाता है। रूहान अब खैर से ना, वो मतलब कि वो वीक ज़्यादा है महानूर की नस्बत ना, तो उससे वो कुछ नहीं होता जो वो कर लेती है, तो इस वजह से ना दोनों में बड़ा फ़र्क है। अपना आप सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग आप पे तनकीद करते हैं ना, उन्होंने करनी ही करनी है। तो हमेशा की तरह मेरा यही मैसेज है,
इस कान से सुने, इससे निकाल दें, इससे सुने और इससे निकाल दें, इनको दूर करें अपनी ज़िंदगियों से, ज़िंदगियां सुकून से गुजारें। दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो थॉट्स माइंड में आती हैं ना, जो हार्ट में आती हैं, उनको दफा करें। आप खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।